हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। कृष्णा ट्रेडिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ फाइनेंस निफ्टी में एक वीकली स्ट्रेटजी जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल है। इसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रेटजी कैसी होने वाली है, कब बनाना है, कैसे बनाना है और इसमें एडजस्टमेंट क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो लोग चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे कि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं, जिस पे कि मैं ट्रेडिंग से संबंधित सारे पोस्ट सबसे पहले वहीं करता रहता हूँ। अपने ट्रेडिंग जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ सब कुछ वहाँ पर पोस्ट करता हूँ। अगर आप लोग हमारी कोई प्रीमियम सर्विस लेना चाहते तो उसके बारे में भी मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं, इसमें हम लोगों को फाइनेंस निफ्टी में काम करना है और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको करनी कब है। तो यहाँ पे 7th को, जैसे 14 मई को इसकी एक्सपायरी है। 14 मई की जो एक्सपायरी है उस दिन हम लोग 10 बजे स्ट्रेटजी को बनाएंगे और जो ऑप्शन रहेगा वो 21 मई वाला रहेगा। और यहाँ पे हम लोगों को सिंपल सा क्या करना है, हमारा जो स्पॉट प्राइस क्या है 21,247, तो हम लोगों का एटीएम क्या हो गया 21,250 हो गया। तो इसमें हम लोगों का जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एटीएम से 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी पुट साइड में जाना है और एक लॉट को बाय करना है और वहां से 50 पॉइंट दूर जाना है और दो लॉट में सेल करना है। पुट साइड का लेग हो गया और सेम वही कॉल साइड में आपको आना है। कॉल साइड में भी 200 पॉइंट दूर का आपको वन लॉट में बाइंग करनी है और वहां से 50 पॉइंट दूर यानी कि एटीएम से 250 पॉइंट दूर का सेल करना है, जो कि दो लॉट में सेलिंग रहेगी। आपको बता दूं, कभी कभी ये 250 से 300, कभी कभी 200 आपको नहीं मिलेगा तो वहां पे आप 250 या 300 पॉइंट दूर का ले सकते हैं। कभी कभी वो स्ट्राइक प्राइस मिलेगा ही नहीं आपको, फाइनेंस निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चलते हैं पुट साइड में और यहाँ पे हमने 200 पॉइंट दूर का एक बाय कर लिया और यहाँ पर वहाँ से 50 पॉइंट दूर यानी कि 250 पॉइंट दूर एटीएम से हमने सेल कर दिया। सेलिंग जो हमारी रहेगी वो दो लॉट में है। तो जैसे कि देखिए, हमारा एटीएम था 21,250 और हमने बाइंग किया 21,050 और यहाँ पर हम लोगों ने जो सेलिंग किया वो 21,000 का किया है। तो यहाँ पे एटीएम से 250 पॉइंट दूर वाला हमने दो लॉट सेल किया और 250 पॉइंट वाला एक लॉट में बाइंग किया, ये हमारा एटीएम है। और फिर से हम चलते हैं कॉल साइड में, हमारा एटीएम 250 है तो यहाँ से 200 पॉइंट दूर में हमने बाइंग किया यानी कि 21,450 को हमने बाइंग कर लिया और सेलिंग जो हमारी रहेगी 21,500 वाला को हमको सेल करना है। मैंने आपको पहले बताया सेलिंग हमारी दो लॉट में रहेगी। तो यहाँ पर 21,450 को हमने बाय कर लिया और 21,500 को हमने कर दिया सेल दो लॉट में, 200 पॉइंट और 250 पॉइंट। कभी कभी ये 200-250 वाला पॉइंट स्ट्राइक प्राइस नहीं मिलता तो वहां से आप 200 वाला बाय कर सकते हैं और 300 पॉइंट दूर वाला सेल कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको करता हूँ फॉरवर्ड टाइमिंग इसका और बात कर लेते हैं इसकी ब्रेक इवन की। तो कॉल साइड में 2.1% का ब्रेक इवन है और पुट साइड में 2.1%, दोनों साइड में लगभग सेम है, 2.1% का ब्रेक इवन है। और प्रोबेबिलिटी या प्रॉफिट की बात करें तो 64% के अराउंड है। मैक्स लॉस आपका अनडिफाइंड है, जो कि आपको ऐसा कभी होगा नहीं।
उससे पहले आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और मैक्स प्रॉफिट आपका ये है, और एस्टिमेटेड मार्जिन की बात करें तो इसमें 1.64 लाख आपका मार्जिन लगने वाला है। और इसमें बात करते हैं एडजस्टमेंट आपको करनी कब है। आपको एडजस्टमेंट तभी करना है जब आपका जो हिल एरिया है ये ब्रीच होने की कोशिश कर रहा हो मार्केट, या कहें कि यहाँ पर मार्केट जब भी रहे तो आप लोग इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कब एडजस्टमेंट करना है, कैसे करना है, मैंने अभी आपको बस एरिया बताया हुआ कि यहाँ पर अब जब भी मार्केट आए तो आपको उस कंडीशन में वहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। तो अभी मैं इसको सीधे फॉरवर्ड करता हूँ और देखते हैं, ये हमारा पीएनएल है। अब मैं इसको सीधे सीधे मैं वन डे फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और मैंने वन डे फॉरवर्ड किया हुआ है और जो मेरा प्रॉफिट है 1.4% का यहाँ पर हो चुका है। तो मैं आपको बता दूँ, जब भी ये वीकली स्ट्रेटजी है, जब भी आपको 1% से ऊपर का प्रॉफिट दिखे तो आप लोग बुक कर लीजिए। अगर आपका इमोशन इतने से संतुष्ट है, आप इतने से कि नहीं प्रॉफिट ठीक है, अगर आप वीकली में हर वीक 1% लेंगे तो मंथली में 4% आराम से इजली आप निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा, एक दिन मैंने किया, एक दिन और मैं फॉरवर्ड करता हूँ सीधे, और यहाँ पे 2.2% का प्रॉफिट। एक दिन और मैं सीधे वन डे में फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अभी भी 2% ही है। और यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं हुई, अभी हम लोगों को 3.3% के अराउंड हम लोगों का प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका। और हमारी एक्सपायरी जो है वो ट्यूसडे को 21 मई की थी और 10 बज चुके हैं और 3.3% का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। मैं थोड़ा सा और फॉरवर्ड कर देता हूँ, 3.4%, 3 बजे तक इसको फॉरवर्ड करते हैं, 3.6% के अराउंड, और ये 2 बज चुके हैं लगभग, चलिए 3 बज गया, और जो प्रॉफिट है यहाँ पे 3.6% का प्रॉफिट है। और यहाँ पे हम लोगों को अभी एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं एक वीक आपको और करके दिखा देता हूँ जहाँ पे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत आए वहाँ पे हम लोग करते हैं। तो मैंने अभी 14 वाले का 7 मई वाला कर लेते हैं, टाइमिंग आपका 10 बजे का रहेगा, और 14 मई वाली में हम लोगों को काम करना है। हमारा स्पॉट प्राइस है 21,619, तो हमारा जो एटीएम हो जाएगा एट द मनी प्राइस 21,600, हमारा एट द मनी हो गया। और यहाँ से हमको 200 पॉइंट दूर का बाइंग करना है। देखिए जैसे मैंने 200 पॉइंट दूर का बाइंग कर लिया, और यहाँ पे हमको 50 पॉइंट दूर ओनली सेलिंग करना था, लेकिन यहाँ पे जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे नहीं है। 200 पॉइंट दूर का बाइंग करने को मिला, लेकिन सेलिंग करने को हमको 300 पॉइंट दूर का मिल रहा है, यानी कि 100 पॉइंट दूर जो हमने बाई किया था उससे 100 पॉइंट दूर का हमको मिल रहा है, जो कि हमको 50 पॉइंट दूर का सेल करना था, नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने सेल वो कर दिया 2 लॉट में, और यहाँ पे फिर से एटीएम से 200 पॉइंट दूर, यानी कि 21,800, 21,800 को हम लोग करेंगे बाइंग। और यहाँ पे देखिए 50 पॉइंट दूर का है, तो कोई इशू नहीं, इसको आप यहाँ पे सेल कर लीजिए। इसको मैंने कर लिया सेल, और इसको कर लेते हैं 2 लॉट में, और हमारा जो पे अप चार्ट है कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। और बात करें इसमें ब्रेक इवन की, तो कॉल साइड में हमारा जो ब्रेक इवन है 1.9%, और पुट साइड में 2.5% का ब्रेक इवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 64%, मैक्स लॉस अनडिफाइंड है जो कि एडजस्टमेंट के बाद आपको नहीं होने वाला है। बहुत ही इजी है, सिंपल एडजस्टमेंट तो बहुत तरीके हैं, लेकिन जो मेरा एडजस्टमेंट है बहुत ही सिंपल है। हेजिंग में अपनी कैपिटल सबसे बड़ी बात है कि सेफ रहती है। और मार्जिन की बात करें तो 1.75% का इसमें मार्जिन लगने वाला है, और एडजस्टमेंट के लिए इसमें अलग से कुछ नहीं लगने वाला है आपका,
इसी मार्जिन में आपका एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। अभी मैं इसको सीधे फॉरवर्ड करता हूँ वनडे, मैंने वनडे फॉरवर्ड किया है और यहाँ पे हमको एक दिन में ही मेरा टारगेट मिल चुका है यहाँ पे 1% का, जो कि मैं बात कर रहा हूँ कि वीकली में अगर आप 1% टारगेट आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको लेके निकल सकते हैं। इसको मैं थोड़ा और फॉरवर्ड करता हूँ, सीधे मैं वनडे में फॉरवर्ड कर रहा हूँ और देखिए मैंने यहाँ पे वनडे और फॉरवर्ड किया और लगभग 1.2% के अराउंड प्रॉफिट दे रहा है। मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में करता हूँ क्योंकि ये ब्रेक इवन के नज़दीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा है आ गया है ब्रेक इवन के पास, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैंने पहले आपको बताया था कि अगर यहाँ पे आ जाए आपका तो आपको यहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट करनी है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा बिल्कुल जो हमने पुट साइड में सेल किया हुआ था, यहाँ पे हमने सेल किया हुआ था 21,300 को हमने सेल किया था, उससे 50 पॉइंट दूर हम लोग जाएंगे, यानी कि 21,250 को हमको एक लॉट में बाइंग कर लेनी है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं कॉल साइड में भी कर ले तो आप कॉल साइड में भी एक साथ ही कर सकते हैं, तो इधर का जो लॉस वाला एरिया है बिल्कुल इधर भी ग्रीन हो जाएगा, मामूली से हल्का फुल्का आपको इधर लॉस दिखाएगा। तो मैं अभी दोनों साइड एक साथ नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको सीधे टाइम को फॉरवर्ड करता हूँ। अभी भी लगभग 0.9% 1% के अराउंड प्रॉफिट दे रहा है मार्केट, देखिए 1% का लगभग प्रॉफिट यहाँ पे आपको चल रहा है। आप चाहें तो इसको बुक भी कर सकते हैं, 1.1% हो गया और एक्सपायरी आने वाली है यहाँ पे भी, अभी 1.1% ही है। और यहाँ पे देखिए मार्केट फिर से गैप अप ओपन हुआ और 21,298 के अराउंड आपका ओपनिंग हुआ और यहाँ पे 1.3% हो गया। इसमें जो एडजस्टमेंट है आपको सिंपल सी है, दोनों साइड में ही एडजस्टमेंट करना है और यहाँ पे हम लोगों का लगभग 1.5% के अराउंड प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया लगभग, और यहाँ पे हम लोगों को जो प्रॉफिट है एक्सपायरी के दिन 1.4% का, अगर हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करते तो काफी अच्छा खासा हम लोगों को लॉस हो जाता। तो यही बिल्कुल सिंपल एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट तो इसमें दो तीन है लेकिन मैं आपको सारी नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे करें कौन सी, कॉल साइड में जाए तब भी आपको सेम सेलिंग से ऊपर वाली को आपको एक सिंगल लॉट में बाय कर लेना है, और पुट साइड में अगर आप चाहें तो दोनों साइड में एक साथ में बाय कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट है थोड़ा सा कम हो जाएगा, लॉक हो जाएगा लेकिन लॉस आपको नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, स्ट्रेटजी से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की किसी की कोई क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, और इससे भी बढ़िया अगर कोई प्रीमियम स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।